was sent. फैमिली दिवाली आने वाली है और लास्ट टाइम जब मैं और मम्मी गए थे दिवाली के टाइम पे गए थे तो मैं प्रेग्नेंट थी. पता नहीं हम क्या लेने गए थे, झाड़ू लेने गए थे मम्मी, झाड़ू और वो गणेश लक्ष्मी गणेश जी. तब मैं प्रेग्नेंट थी और क्योंकि पापा के ऑफिस में हर साल दिवाली की पूजा होती है तो इस बार हम जाएंगे. लास्ट टाइम गुड्डू मेरे पेट में थी, अब गुड्डू हमारे साथ जाएगी, है ना गुड्डू. अभी हम गुड्डू को ना दिवाली की थोड़ी रौनक दिखाने लेके जा रहे हैं. मम्मी ने बोला कि बाहर बहुत अच्छा हो रहा है और आप सबको तो पता ही है इस टाइम इतना अच्छा लगता है बाहर जाओ तो. मतलब मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ क्योंकि मेरे को नींद आती रहती है, लेकिन गुड्डू को आप देखो गुड्डू कितनी खुश है हमारी. गुड्डू के बड़े मजे आ रहे हैं कार में बैठे हुए. लाइट्स देखो, ये जो घरों की लाइट्स लगी होती है ना इस टाइम, ये बस यही मजा आता है. और जब दिवाली खत्म हो जाती है तब बिल्कुल ऐसा आता है बिल्कुल सुनसान सुनसान सा. दोनों का मुंह इधर करना, इसके साथ मुंह करना इसका, हाँ ऐसे 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 ये छोटा से मुन्ना है, छोटा से बेटा राजकुमार सा आजा. फैमिली आज हम आए हैं दी के यहाँ क्योंकि दिवाली आने वाली है तो हम दिवाली की मिठाइयाँ दी की फेवरेट मिठाइयाँ दी के लिए लेके आए हैं. और दी को आज बड़ा अच्छा सरप्राइज मिला. दी बताओ क्या सरप्राइज दिया हमने आपको आज. सरप्राइज ये था कि मुझे लगा सिर्फ मम्मी पापा आ रहे हैं, गुड्डू नहीं आ रही है और आप भी नहीं आ रहे तो मैं थोड़ी दुखी हो गई. तो मैंने कहा दिवाली का टाइम है आना तो चाहिए ऐसे फिर. लेकिन जब मैंने गुड्डू को देखा तो मतलब दिया गुड्डू को देखे खुश हो, मेरे को देख के नहीं हुआ. हाँ मतलब Later that same evening. Hello family, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. Wish you all a very happy Diwali. आपके घर में और आपके आसपास हर जगह दिवाली की तरह बहुत सारी रौनक रहे और आपकी जिंदगी में जैसे दिवाली की मिठाइयाँ लोग एक दूसरे घर में बांटते हैं आपकी जिंदगी में भी जो मिठाई की तरह हमेशा मिठास बनी रहे. और आज मैं और पतिदेव जा रहे हैं दिवाली पार्टी में. वैसे तो हमें पहुंचना था थोड़ा जल्दी लेकिन जिस टाइम 7 बजे पहुंचना था और अभी 11 बज रहे हैं. अभी हमें और एक घंटा लगेगा. ये बस क्या बताएं, आज तो खैर ट्रैफिक था वरना पतिदेव जो टाइम देते हैं उस टाइम पतिदेव कभी नहीं पहुँचते हैं. ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कब टूटेगा मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ. तो बहुत तेज भूख लग रही थी, बीच में हम रुके है बर्गर किंग पे और मैं ले रहा हूँ 2 बर्गर और एक शेक. ये खा रही है बर्गर और ये बढ़िया शेक. भाई वो कहावत है ना कि जो इंसान भूखा घर से निकलता है ना वो रास्ते पर भूखा ही रहता है. तो इसलिए याद रखो अगर किसी पार्टी पे जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो ना घर से कुछ खा के जाना वरना पूरे रास्ते बहुत भूख लगती है भाई. फैमिली बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हमें जो दिवाली पार्टी पे जाना था पता नहीं क्या हो क्या कन्फ्यूजन हो गया पति देव को कि हमने दूसरा कट ले लिया और पता नहीं हम कौन से हाईवे पे पहुंच गए हैं जिसकी वजह से आई थिंक हमें काफ़ी ज़्यादा भी एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा. हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं पार्टी के लिए, पता नहीं हम टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे. पता नहीं हमने कौन सी रोड ले लिया फैमिली, ये रोड और इतनी लंबी चली जा रही है पता नहीं कहाँ से कट आएगा, कहाँ से हम जाएंगे कैसे जाएंगे. Few moments later. Guys, bye. 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 Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. चल चले. चलो. चलो. Family card party हो चुकी है खत्म और अभी बज रहे हैं 5:00. मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत ज्यादा तेज. पतिदेव आपको नींद नहीं आ रही? बहुत तेज नींद आ रही है. अब पतिदेव तो ड्राइव भी कर रहे हैं. अब गुड्डू को हमने छोड़ा था नाना नानी के पास, अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं पतिदेव के साथ जाऊँ या गुड्डू के पास जाऊँ. पतिदेव आप बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए. तुझे जाना चाहिए गुड्डू के पास और वहीं पे सोना चाहिए. गुड्डू के पास जाना चाहिए? यस. अच्छा चलो, अभी तो हमारे पास थोड़ा टाइम है तो अभी मैं डिसाइड करूंगी क्योंकि फैमिली मेरी आदत है मैं लास्ट मोमेंट तक ना एकदम कंफ्यूज रहती हूँ. और अभी मेरे को ना पता नहीं समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिनों से ना सर्वाइकल का पेन भी स्टार्ट हो गया है. तो अगर आप लोगों को कोई एक्सरसाइज पता है जिससे सर्वाइकल के पेन में रिलीफ मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अभी मेरी एनर्जी बहुत डाउन है तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती. ओके फैमिली बाय. फैमिली आप सबको पता है कि कल पतिदेव हम कार पार्टी में गए थे और हमें बहुत वहाँ पे लेट हो गया था. मैं सुबह आई और सुबह आके मैं बस 1 घंटा सोई. उसके बाद जो गुडरी हमारी बोर्ड गई मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, बस मैं 1 घंटा सोई हूँ. और अभी आपको पता है क्योंकि दिवाली है तो अभी 3-4 दिन ऐसे ही इतना हेक्टिक रहेगा, मेरे को तो चक्कर ना आ जाए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है. और जो हमारी गुडरी है
वो फिर से अभी नहा चुकी है, वो सो के फिर से उठ गई है, और अभी पूजा भी उसने कर ली है, नानू के शायद नानू का जो लॉकेट है ना शिव जी का, वो लेना चाह रही है। गुड्डू बेबी ये कहाँ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपको नानू का लॉकेट चाहिए, भगवान जी वाला लॉकेट चाहिए, जय जय करनी है आपको भी, भगवान जी वाला लॉकेट पहनना है, पहनना पहनना। सो फैमिली अब हम जा रहे हैं वापस घर, और गुड्डू भी जा लिया है वापस दादा दादी के पास। अब आपको पता है कि दिवाली का त्योहार है, और तो पापा भी अभी क्या सोच रहे कि चलो ठीक है मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ तो मैं अब दिवाली का सामान भी दे दूंगा, तो अभी पापा जा रहे हैं दिवाली देने मम्मी पापा को, और गुड्डू मिलेगी दादा दादी से, तो दादा दादी और गुड्डू के पापा गुड्डू से मिल के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, है ना गुड्डू, है ना गुड्डू। हेलो फैमिली, कैसे आप सब लोग, आपको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अच्छा, हमारे ना व्लॉग्स नहीं आ रहे थे काफी दिनों से, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा दिल से, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के इनबॉक्स पे मैसेज भी आए, बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स भी आए कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं व्लॉग वाले चैनल पे। एक्चुअली थोड़ी कुछ इश्यूज हो गए थे, टेक्निकल इशू हो गए थे, उसकी वजह से हमारे व्लॉग नहीं आ पाए, तो उसके लिए दिल से पहले तो सॉरी, क्योंकि आप हमें इतना प्यार करते हैं और हमारे व्लॉग्स का वेट करते हैं, उसके लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करा हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो हैप्पी दिवाली फैमिली, हैप्पी दिवाली गुड्डू की तरफ से, आज गुड्डू की फर्स्ट दिवाली है, है ना गुड्डू। हेलो फैमिली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ये हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली गुड्डू, ये हैप्पी दिवाली। नहीं ये नहीं करना था, पसंद नहीं आया हमें आपका, ये पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया गुड्डू कह, हम देसी लोग हैं, हमें ये पसंद नहीं आता। धीरे धीरे करेंगे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ये हैप्पी दिवाली, हंस दे हंस दे हंस दे, हंचो हंस दे, हंचो हंस दे, हैप्पी दिवाली। नहीं, विशिंग अ वेरी हैप्पी दिवाली फैमिली। और आज हम जा रहे हैं पापा के ऑफिस चांदनी चौक, वहाँ पूजा करने। वैसे पति भी मुझे इसके पीछे का रीज़न पता नहीं है कि दिवाली के दिन क्यों हम ऑफिस की पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी का वास होना चाहिए जहाँ से लक्ष्मी जी आती हैं। मतलब बहुत लोगों के लिए, स्पेशली पापा के लिए जो काम है उनकी पूजा है, तो क्योंकि हम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं दिवाली पर, तो इसलिए सबसे पहले पापा अपने ऑफिस में जाके पूजा करते हैं। और वैसे हमें निकलना था 12 बजे, लेकिन अब हम कितने बजे निकल रहे हैं, एज यूजुअल 2 बजे निकल रहे हैं। फैमिली वैसे मैं जल्दी रेडी हो जाती थी, मैं बहुत पंक्चुअल थी आपको पता है, लेकिन गुड्डू के चक्कर में थोड़ा मेरे को लेट हो जाता है आजकल। पहले हमने गुड्डू को पहले पहनाया था शरारा, बहुत क्यूट सा, लेकिन हमें लगा कि जैसे बाहर गर्मी हो रही है तो हमने वो शरारा उतार के उसको फ्रॉक पहना दिया। अभी जब हम शाम को दिवाली की पूजा करेंगे तो गुड्डू शरारा पहनेंगे। पतिदेव जो है, पतिदेव बहुत ही आज खूबसूरत लग रहे हैं, और ये कुर्ता पजामा वो किसने दिया है, ये मैंने कुछ नहीं, ये कुर्ता आपको दीन दिया है, ये है हमारा स्पेशल खास चांदनी चौक। और इस लड़की के जो ये शरारा इसने क्या पहना है, सूट वूट पहना है, ये नीचे लग रहा है, तो पूरी सफाई करती हुई जा रही है ये। ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। हाँ ड्राई क्लीन कर रहे हैं ना आप, सारी सड़कों की सफाई कर रहे हैं आप यहाँ के।